सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापस्त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गंगा देव्ये नमो नमः। ओम नमः शिवाय। स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं माँ भागीरथी गंगा जो पाप विमोचनी है, पाप नाश करने वाली है, ऐसी माँ भगवती गंगा को कोटि कोटि प्रणाम। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाचकाचार्य अनंत विभूषित संत समाज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजनों, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवती गंगा जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चल चढ़े कोई बंध जात जंजीर। ये जगत का नाम जो पड़ा है वो एक दिन जरूर न जरूर ये जाने वाला है। सत्य त्रिकालाबादी सत्य है, लेकिन इसीलिए उपनिषदों ने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत जो है मिथ्या है, जो देख रहे हैं सब नाशवान है, कोई स्थिर रहने वाला नहीं है, बदलता रहेगा। हम भी स्थिर रहने वाले नहीं हैं। जन्म हुआ पहले कहाँ थे पता नहीं, कर्म अच्छे होंगे तो दोबारा मनुष्य बनेंगे तो नहीं भी बन सकते हैं। ऐसे एक संत, शायद मेरे ख्याल से उदासीन संप्रदाय के थे ऐसा लगा मुझे, वो घूमते फिरते भ्रमण करते 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 कोई गांव में गए और एक आनंद नाम का जवान लड़का का घर था, भगवान के बड़ा भक्त था और गुरु की उस पर छाया थी। रोज कोई संत के पास, गुरुजन के पास सत्संग के लिए जाता था और वेदांत की सारी भाषाएं समझा हुआ था। अहम ब्रह्मास्मि जो महावाक्य है उनका वो अनुमोदन करता था, उन पर चलने की कोशिश करता था। संत को देख के बड़ा खुश हुआ, अपने घर में रुकवा लिया, अच्छी सेवा किया, खातरे किया, सुबह जाते समय थोड़ा सा उपहार भी दिया। संत खुश हो गए, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु बड़ा अच्छा भक्त हैं, उनकी रक्षा करना और दिन दुने खूब आगे बढ़े, संपत्ति मिले, वो आप कृपा करना उन पर। वो आनंद नाम का जो भक्त था, लड़का था, वो हंसने लग गया, कहा कि प्रभु जी ये भी स्थिर रहने वाला नहीं है, ये भी जाने वाला है। संत हंसते समझे नहीं, निकल गए। दो साल के बाद आए तो देखता है, क्या देखता है, इस घर में तो आनंद था नहीं। पूछा कि भई ये आनंद नाम के व्यक्ति रहते थे कहाँ गए, बोले भाई दिक्कत थोड़ी हो गई तो पास वाले गांव में जमींदार के यहाँ नौकरी करता है, अब वो वहाँ गया तो एक झोंपड़ी में रहता था और पहचान गया कि ये जो है वही साधु है जो दो साल पहले हमारे घर आए थे। संत को बड़ा दुख हुआ, करे मैंने तो आशीर्वाद दिया था कि फले फूले आगे बढ़े, लेकिन ये तो बेचारा कहीं नौकरी करने आया है, बड़ा दुख हुआ। तो आनंद ने कहा, झोपड़ी में ठहराया, सूखी रोटी खिलाया। आनंद ने कहा देखो संत जी आप दुखी मत हो, ये भी नहीं रहने वाला है, ये भी टिकने वाला नहीं है।
संत समझे नहीं। दो चार साल के बाद फिर दोबारा आए तो देखा है, पूछा भाई आनंद यहाँ नौकरी करता है कहाँ? अरे बोले वो तो जमींदार बन गया है। हुआ ऐसा कि जहाँ नौकरी करता था को वो तो धर्म को मानने वाला था, इसलिए निष्ठा से नौकरी करता था, बड़े प्रेम से काम करता था, वफादारी पूर्वक काम करता था, तो जमींदार के मन में बस गया। जमींदार को लड़का नहीं था, जमींदार ने सारी मिलकत उनके नाम कर दिया और समय पे वो चले गए तो बड़ा जमींदार बन गया, जमींदारों से भी ऊपर जमींदार बन गया। अब वो आए, संत आए दो साल के बाद, पूछा भाई आनंद कहाँ है? अरे बोले वो तो बड़ा सेठ बन गया है, बड़ा जमींदार बन गया है। मिले, बड़े खातरे किया, अच्छे तरह से भोजन करवाया, उपहार दिया, बहुत खुश हुए संत। बस अभी ठीक है आनंद, तो अब ठीक है। तो आनंद हंस के कहने लग गया, गुरुजी दो तीन दफा तो आपने देखा है हमारा जीवन, ये भी नहीं रहने वाला है, ये भी जाएगा। बोले ये भी जाएगा? बोले हाँ ये भी जाएगा, ये भी नहीं टिकने वाला है। अच्छा, संत चले गए, फिर भ्रमण में निकले, फिर दो साल के बाद आए तो देखा वहां तो ताला लगा हुआ था। पूछा किसी को, भाई आनंद? बोले वो तो मर गया, हवेली यहीं रह गई। बोलता था ना कि ये भी नहीं रहने वाला, या तो ये रहेगा तो इसके अंदर रहने वाला नहीं रहेगा, और रहने वाला रहेगा तो ये नहीं रहेगा। अब बात सच्ची निकली, आनंद चला गया था। दो बेटियां थी, उसकी शादी हो गई थी, उसकी बूढ़ी औरत एक कोने में पड़ी थी। वो आनंद के फोटो के पास संत गए और उसको पुष्प चढ़ाया, तो नीचे लिखा था फोटो के नीचे कि ये भी नहीं रहने वाला है। अब संत जी को कहा कि आप संत बने हैं तब भी आपके मन में बात नहीं हुई कि कोई वस्तु स्थिर नहीं रहने वाली है, दुख भी नहीं रहने वाला है, सुख भी नहीं रहने वाला है। आप समझ लो, ये शरीर भी नहीं रहने वाला है, ये जगत भी नहीं रहने वाला है। तो शरीर जब नहीं रहने वाला है तो शरीर से जो पदार्थ बने हैं वो कैसे हमारा रहेगा? और फिर उसके लिए रात दिन हम चिंता करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी कहीं नहीं चले जाए, मेरी जमीन नहीं कहीं चले जाए, मेरा आश्रम नहीं कहीं चले जाए, मेरी संपत्ति कहीं नहीं जाए, मेरा परिवार कहीं नहीं चला जाए। देखो क्या इस दृष्टांत से हमको समझना चाहिए कि स्थिर कुछ नहीं है। सपना जियो संसार कहूँ नानक, गुरु ग्रंथ साहब में एक हमारे स्वामी वासुदेवान जी महाराज चिदान जी कहते थे, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहूँ नानक स्थिर कछु नहीं सपना जियो संसार। कोई स्थिर नहीं है, ना राम स्थिर रहा, ना नानक स्थिर रहे, ना राजा स्थिर रहा, ना रंग स्थिर रहा है। ये स्वप्ना जैसा संसार है, स्वप्नवत संसार है, कोई स्थिर नहीं है। इसीलिए दुख आए तब घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझना चाहिए कि तो भगवान का प्रसाद है, ऐसा समझ के उसको भी सहन करना चाहिए। और सुख आ जाए तब भी हमको छकना नहीं चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए, अरे देखो मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं सत्तावान हूँ। अरे ये भी जाने वाला है। देखो किसी का रूप शाश्वत रहा, किसी की सत्ता शाश्वत रही, किसी की धन संपत्ति शाश्वत रही, नहीं रहता है, ये भी जाने वाला है, शरीर भी जाने वाला है। तो सब कुछ अचल नहीं है, चल है, इसीलिए इसका अहम नहीं करो, भगवान का भजन ज़्यादा में ज़्यादा करो और समझो ये भी एक स्वप्न है। जैसे रात्रि में स्वप्न आता है ना, वो स्वप्न भी सुबह उठते ही वो स्वप्न टिका नहीं, तो ये भी एक स्वप्न ही है, लंबा स्वप्न है, 50 साल का स्वप्न है, 100 साल का स्वप्न है, ये भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए भगवत भजन करना हमारे लिए श्रेष्ठ समय है, प्रभु ने श्रेष्ठ समय दिया है, इसलिए भगवान का भजन करो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो श्री गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौतमेश्वर भगवान की जय, पिपलेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय। आज हम तो हूँ कैसे हूँ कैसे।